Mangalam Dangalam. Rumi beta. Rumi beta. जी पापा। बेटा मैंने ब्रह्म मुहूर्त में एक सपना देखा बेटा, सुबह 4 बजे मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं बेटा। ऐसा क्या देखा तुम? मिस्टर कुट्टी को बहुत बड़ा चोट है, इतना बड़ा चोट है। मालिक ने अपन से कहा था कि दो चीजों का ध्यान रखे मक्खन, पहला तो तुझे कोई पहचाने ना और दूसरा कुट्टी अंकल के ज्यादा ना लग जाए कहीं। कुट्टी अंकल आ रही है अपन। अभी मेरी समझ में ये नहीं आ रहे कि ब्रह्म मुहूर्त के सपने सच होते हैं। आपको भी पते है, आपके सहेली के भी ऐसे सपने आए हैं। अगर सच हो गया और मिस्टर कुट्टी को यानी कि दूड़ी के पापा को बहुत बड़ा चोट लगेगा तो कैसी विदाई करेंगे, इसलिए विदाई कैंसिल करने पड़ेगा। साकलेचा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी होगा ना तो सिर्फ अर्जुन और रूमी का विदाई होगा। अयो 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 वाइफ जी, बहुत दर्द वाइफ जी। क्या हो क्या गया मिस्टर कुट्टी? वाइफ जी हमें क्या बोले ना, हम रोड से जा रहा था, आपका ये नारियल पानी लिया था, कोई एक स्टूपिड सा दूध वाला सामने से साइकिल पर बैठ के आया और आपको टक्कर मारा, करना बहुत लगा, दर्द हो रहा है। इसका मतलब पापू ने जो सुबह 4 बजे सपना देखा था वो सच हो गया? मतलब जैसा सोचा था वैसा हुआ। देखे देखे सपने सच हो गए, देखो देखे कितने बड़े चोट लगे। अर्जुन बेटा बेटा तेरे पापा को लेके जा बेटा, उनको उनको लेटा दे, बहुत बड़ी चोट आई है बेटा, जा 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 जा। ब्रह्म मुहूर्त के सपने सच हो गए कल सुबह की विदाई टल गई और ये मेरी बेटी की विदाई हमेशा के लिए टाल दूंगा। हमको मालूम है तुम कल सुबह 4 बजे एक नया सपना देखेगा और ये विदाई रोकेगा, करेक्ट? बड़ी समझदार है। तो तुम एक काम कर, तुम कल का विदाई टालने की कोशिश करो और हमें ये विदाई करने का कोशिश करेगा। अच्छा देखा, मखना क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? साकलेचा हमें बताएगा, हमें बताएगा। कल तुम्हारा बेटी का विदाई है और तुम बोल रहा था कि एकदम धूम धाम से नाच गाना के साथ होना मांगते है, करेक्ट? तो हम लोग उसी का तैयारी किया है, तो आज रात को हम लोग सब लोग ऐसा नाच गाच के ऐसा धूम धाम से सब आज का रात में जगेंगे, कोई सोएगा नहीं। ओके सोएंगे नहीं तो क्या भजन करेंगे? अयो भजन क्यों करेगा, कैसे बुड्ढा जैसा सोचता है तुम? हम लोग सब लोग गेम खेलेगा,
वो कुछ वाला मालूम है पास पार्सल वाला अम्मा गाने शुरू करो सब लोग देखो चार बज गया है हाँ अभी सब लोग सोएगा हमको भी थोड़ा नींद आ रहा है फिर सुबह कल जल्दी उठ के काम में भी करना है ना सकलेचा चार बज गया अभी सब लोग सोने को जाएगा हाँ गुड नाइट सकलेचा गुड गुड नाइट अभी तुमको ना चार बजे का कोई भी सपना नहीं आएगा अच्छा Sweet dreams. रुक जाइए ये विदाई नहीं होगी क्यों नहीं हो सकते है ये विदाई क्योंकि मैंने सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखा है कि रूमी की विदाई होगी तो इन दोनों का तलाक हो जाएगा और मैं इधर जाऊं क्या बोल रहे हो ऐसा नहीं हो सकता एक मिनट सकलेचा तुम्हें ये 4 बजे का सपना कैसे देखा आंख बंद करके गहरी नींद में 4 बजे तुम कैसे सोया जब हम लोग यहाँ पर था सब लोग 4 बजे गेम खेल रहा था तुम सोया कब यही तो आपकी गलत फहमी है मिसेस कुट्टी जब आज सुबह आप सब लोग सोने जा रहे थे तब इस घड़ी में बजे थे 4 और ये घड़ी 1 घंटा आगे थी यानी कि तब 3 बजे थे इस बात का कोई प्रूफ है तुम्हारे पास सबूत है अभी आपके घड़ी में क्या टाइम हो रहा है 8 बजे इस घड़ी में कितने बजे हैं इसका मतलब जब हम सुबह सोने जा रहे थे तब 4 नहीं 3 बजे थे अरे हाँ कल जब मक्खन ने मुझसे टाइम पूछा था तब मैंने कहा था 3 बजे है ना मक्खन जी भैया मुझे भी जब पूछा था तो 3:05 हुए और जब मुझसे पूछा था तब 3:10 हुए थे हाँ ललित अब तो आपको यकीन हो गया ना मिसेस कुट्टी
कि उस वक्त 3 बज रहे थे और मैं सो रहा था और मैंने 4 बजे ही सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का सपना देखा। यकीन हो गया? और ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है, इसलिए ये सच होगा और मैं ये नहीं चाहता कि ये दोनों का तलाक हो और मैं स्वर्ग सिधार जाऊं। आप सही कह रहे, ये विदाई नहीं हो सकती, इस विदाई को रोक दीजिए। अगर इस विदाई से मैं अर्जुन और पापू दोनों को खो दूंगी तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी विदाई। रूमी सही कह रही है, वैसे तो इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करता, लेकिन आप लोग इतने समझदार हैं तो ठीक है। ओके, तो ले जाइए विदाई का सारा सामान अंदर। अब ललिता तुम्हारा ये बैग है? अरे हमारा है, हमारा अभी हमारा है। ये होगा ना। एक बात कहूं मिसेज कुट्टी, पेड़ मेरे को सच में लगे कि मेरे बैंड बजा रही है, सच में ऐसा लगे मुझे मात दे रही है। लेकिन मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं, मैं भी खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूँ। जिस 4 बजे के सपने को लेकर मेरी बेटी की विदाई करने वाली थी ना आप, उसी 4 बजे के ब्रह्म मुहूर्त के सपने से ही मेरी बेटी की विदाई हुआ थी, जिस घड़ी का इस्तेमाल करके मेरी बैंड बजाने वाली थी उसी घड़ी का इस्तेमाल करके मैंने बैंड बजाई आपकी। कुछ कहने आम बोलेगा, और हमें ये बोलेगा अभी जो हो गया सो हो गया, अभी हमारा पास और बहुत दाव पेच बाकी है। दाव पेच? अभी हम उसका इस्तेमाल करके ही तुम्हारा पासी ने चुड़ाएगा और तुम्हारा चक्का भी चुड़ाएगा, नहीं तो हम अपना नाम चेंज कर लेगा। अभी से चेंज कर लेने का है नाम, क्योंकि मैं चक्के पे चक्का मारूंगा आपकी गुगली पे। हम देखेगा, देख कर लेने। वाह, हमारी और तुम्हारी, हाउ टू बी अ गुड डायरेक्टर, वो तो मैं ऑलरेडी हूँ। हाउ टू बी अ गुड एक्टर, लेता ऐसे एक बार पढ़ लो। सखी जल्दी चलो, वरना हम लोग शादी में जाने के लिए ना लेट हो जाएंगे। सच में? अयो कैसा नॉनसेंस मैगजीन देख रहा है ये। एमिनी सकलेचा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आंटी ये मूवी पूरी है। उसके कवर देखा, कितना बकवास सा फोटो है वो। ये तुम्हारी है? आर यू व्हाट नॉनसेंस, ये हमारा दिखता है तुमको? आंटी ये लड़की तुम्हारी है। आर यू व्हाट नॉनसेंस, ये लड़की हमारा नहीं है, हमारा लड़की ललिता है। आंटी ये तुम्हारी कुट्टी नहीं, तुम्हारी तिवारी है। बहुत फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस है आंटी, ये देखो ना, इंडियन आइकन, बहुत फेमस है आंटी। अरे तुम्हारी तिवारी साहिल भैया, अरे क्या फाड़ू फिल्म थी भैया, और क्या डांस किया था तुम्हारी तिवारी ने। अरे अपन के सामने की बात है, लोगों ने पर्दे पे ना छुट्टों की बरसात कर दी थी। व्हाट नॉनसेंस। नॉनसेंस नहीं, अरे कुट्टी आंटी वो तुम्हारी तिवारी बहुत पॉपुलर है, बहुत डिमांड में है, और उस फिल्म का डायरेक्टर, अरे उसके तो नाम से ही फिल्में हिट हो जाती है, अपन का दोस्त है वो। हाँ? ना आजम गड़िया। बहुत बढ़िया मक्खन, बहुत बढ़िया, कसम से कह रिया गुरु। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं मुन्ना आजम गड़िया से भी बहुत बेटर मूवी बना सकता हूँ। पहले डांस से कैप पहनने सीखो। तो मैं कह रहा था कि मैं और ललिता, ललिता और मैं, मतलब हम दोनों हो जाएंगे क्या? हिट आंटी, हिट। मैं एक मूवी बनाऊंगा, मूवी का नाम होगा दीवानी मुन्नी, और मुन्नी होगी बदनाम। शड़ा, तुमको एक रुपया नहीं देगा अम्मा। तो फिर कौन देगा पैसे अम्मा, उसे लॉन्च होना है। ललिता
पैसों की चिंता मत करो ललिता, पैसों का इंतजाम अब मैं करूंगा। माँ ये कंगन देने का वक्त आ गया मेरी माँ। नहीं ये कंगन मुझे दे दे माँ, ये कंगन मुझे। जब मैं एक बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा ना, मैं एक बड़ा डायरेक्टर, और मेरी फिल्म जब होगी सुपर हिट, सुपर डुपर हिट ना माँ, तब मैं तुझ पे बारिश करवाऊंगा, कंगनों की बारिश करवाऊंगा माँ, कंगनों की बारिश। ठीक है, ले ले मेरे कंगन। ए, संगीता जी, कैसे नॉनसेंस हरकत करता है वो, कितना नॉनसेंस बकवास कर रहा है, और तुम उस नॉनसेंस बकवास में आके ऐसे नॉनसेंस हरकत करेगा। चलो हमको शादी के लिए लेट हो रहा है, पहले वो कंगन अपना हाथ में पहनो। नॉनसेंस अकलेजा, लेकिन सुनिए ना, दिल तोड़ दिया। अब क्या होगा साहिल, कहाँ से आएंगे पैसे, कैसे बनोगे तुम डायरेक्टर और मैं हीरोइन? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। क्यों इतना लेट है? मालिक वो साहिल भी है और कुट्टी आंटी की ना बातें सुन रहे थे, इसलिए लेट हो। अरे ऐसी क्या दिलचस्प बातें थी कि तू सुनने बैठ गया और यहाँ लेट आया? मालिक को साहिल भैया कुट्टी आंटी को बता रहे थे कि एक भोजपुरी फिल्मों का एक डायरेक्टर है मुन्ना आजमगढ़िया, उसकी फिल्मों के रीमेक बनाने की बात कर रहे थे। जैसे वो फिल्म थी ना उसकी फेमस फिल्म बबलू रिक्शे वाला और तोहार चुम्मा मिस कॉल। बकवास बंद कर। जय जय तो कुट्टी आंटी ने बोला साहिल भैया को कि क्या बकवास कर रहा है तू, और मना कर दिया कि मैं कोई पैसा नहीं दूंगी फिल्म बनाने के लिए, और लास्ट में बोली फिर व्हाट इज दिस नॉनसेंस। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। पर मालिक आपको ना मुन्ना आजमगढ़िया की पॉपुलैरिटी का पता नहीं है, एक से बढ़कर एक धुआं धाकड़ फिल्में दी है उसने। क्या जी मालिक? जैसे वो धुआं धाकड़ एक उसकी फिल्म थी गुर्दा करैल गुलू गुलू। अभी तूने एक भी शब्द निकाला ना मुंह से, दोनों गुर्दे निकाल दूंगा तेरे। मालिक देखिए, नहीं देखने ऐसी गंदी फिल्में। मालिक फिल्म नहीं, वो मालकिन और कुट्टी अम्मा। ये दोनों तो शादी में जाने वाली थी, यहाँ क्या कर रही है? ए संगीता, संगीता, रूमी के पापा बुला रहे हैं। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? आप दोनों तो शादी में गए थी ना? आइयो, ऐसा शादी को कोई शादी बोलते हैं? सब नॉनसेंस था उधर, और सब शादी वाला लोग वो नागिन डांस कर रहा था, और फिर कुछ लोगों तो वो अजगर डांस भी करने के लिए रेडी हो गया था, और फिर वो आधा रास्ता में पहुंचने के बाद वो नॉनसेंस भारतीय लोगों को पता चला कि वो नॉनसेंस दूल्हा का तो घर में छोड़ के आया। सब नॉनसेंस, और तुमको मालूम है सकलेजा, हमको कोई नॉनसेंस चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्होंने कहा कि नॉनसेंस सब मुझे नहीं देखना है, घर वापस चलो, और फिर हमें आना पड़ा, वरना मैं तो ना वहाँ नागिन डांस करने वाली थी। तू ना गाना लगा, मैं यही नाचती हूँ। अभी लो। ए! ए! बंद बंद कर, बंद कर। क्या तमाशा लगा के रखा है? परे बाजार में मेरी इज्जत को नागिन की तरह डसना है, हैं? मेरी इज्जत को धूल में मिलानी है? I agree, this is totally nonsense. थे? और वो लोग भी, वो कोई भोजपुरी गाना पे डांस करने वाला था, तोहार लिट्टी अमर चौका, वो टेबल, हाँ टेबल फैन का हवा, सही 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 सही। अरे वो तो एकदम झंडा उखाड़ हिट सॉन्ग है। अभी हम घर जाता है, ये इतना सब नॉनसेंस देखने के बाद हमको घर जाके थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये तुम्हारा नॉनसेंस सब खत्म हो गया तो हम लोग घर जाएंगे साकी? हाँ सहेली, तो चलो। मक्खन जी मालिक, ए मेरे स्कूटी को बाहर नॉनसेंस लग रहे हैं, इसलिए वो घर जा रहे हैं। आखिर
खरवी नानसेन से होएगे तो ये कुट्टी किधर जाएगा? घर से बाहर जाएगी वाली? मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम दंगलम